नमस्कार, जेके न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में किया गया विशाल भंडारे का आयोजन जलपुरा कॉलोनी गौशाला रोड पर यह कार्यक्रम किया गया। जगह की बात करें तो कुछ वर्षों से ये एक वीरान जगह थी, लेकिन आज जब इस जगह पर आस्था की अलग जगह तो एक अलग रंगत दिखाई दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार झा व भाजपा नेता मनोज प्रधान ने कहा, धर्म व आस्था के प्रति लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यह कार्यक्रम जो है जलपुरा गांव में, भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी हैं विजय दास जी, उनके संरक्षण में मंदिर बना था आज से 4 साल पहले। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए। हमारे सेक्टर के संयोजक दिनेश सैनी जी हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई मनोज जी हैं, मनोज प्रधान जी, और यहाँ के जितने भी आप जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोग यहाँ पर में उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़ा जोर शोर से भंडारा का इंतजाम किया गया, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ। और इस मंदिर पे जो है अखंड रामायण का भी पाठ हो रहा है। और आज का दिन इसलिए चुना गया कि आज जो है गणेश जी का दिन है। एक हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इसलिए आज ये अच्छे दिन समझ करके आज का ये कार्यक्रम रखे हैं। इसमें यहाँ पे जो भी निवासी हैं सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, और आगे मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में किसी भी प्रकार का आप पे सुरक्षित आप महसूस करेंगे, कोई भय और भ्रष्टाचार ये यहाँ पर में इस इलाके में नहीं होगा, ऐसा भगवान भोलेनाथ के सामने में कह के और उनको सभी लोगों को बधाई देता हूँ। धर्म के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हुए इस मतलब इन साहब लोगों का स्वागत किए हैं, और हमने एक अच्छा भंडारा करवाया है जो ये सब सहयोग से हुआ है। मंडल अध्यक्ष जी हैं, राजकुमार झा जी हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोज प्रधान जी हैं, और इनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम हुआ है। और हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि ये हमारे यहाँ पे पधारे और हमें पार्टिसिपेट इनके साथ करने का मौका दिए। जेके न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जेके न्यूज।